किसान भाइयों नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डी फार्मिंग में किसान भाइयों आगे आने वाले समय में आलू के भाव को लेकर दो मुख्य कारण मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं जिनसे आपको पता चल जाएगा कि आने वाले समय में आलू का भाव क्या रहने वाला है इन्हीं दो कारणों के आधार पर आने वाले समय में पूरा विश्लेषण आपको मिल जाएगा साथ ही आने वाले समय में आलू में तेजी रहेगी या मंदी आलू का भाव कितना बढ़ेगा अभी क्या भाव चल रहा है आलू को रोकना चाहिए या बेचना चाहिए इन्हीं सभी मुख्य बिंदुओं पर इस वीडियो में हम बात करेंगे तो किसान भाइयों किसान हित में वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ नीचे दिए हुए लाल अक्षरों में सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर लें पाँच में जो घंटी है उसे जरूर दबा लें किसान भाइयों अभी जो आलू का भाव चल रहा है इसको लेकर किसान काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं क्योंकि अभी के भाव से किसानों की लागत भी नहीं निकल पा रही है सफ़ेद आलू का काफ़ी कम भाव देखने को मिल रहा है जो लाल आलू होता है उसका थोड़ा अच्छा भाव किसानों को मिल रहा है लेकिन पिछले साल से काफ़ी कम भाव अभी मंडियों में देखने को मिल रहा है किसान भाइयों बात करते हैं उन दो कारणों की जिनके आधार पर आगे आने वाले समय में आलू का भविष्य आपको देखने को मिल सकता है तो पहला कारण आ रहा है कि कोल्ड स्टोरेज का खुलना जिस कारण आलू के भाव में थोड़ा सुधार हो सकता है किसान भाइयों पहले क्या हो रहा था कि किसान खेत से डायरेक्ट में आलू की हार्वेस्टिंग कर डायरेक्ट उसे मंडियों में ले जा रहे थे क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कोल्ड स्टोरेज बंद पड़े थे तो ऐसी स्थिति में बढ़ते तापमान के कारण किसान भाई आलू का भंडारण कहाँ पर करें तो अब की जहाँ सभी राज्यों में कोल्ड स्टोरेज खुल चुके हैं और इस महीने के अंत तक लगभग सभी कोल्ड स्टोरेज खुल जाएंगे तो इससे किसानों के पास एक ऑप्शन हो चुका है कि वो अब अपने आलू को मंडियों की बजाय कोल्ड स्टोरेज में ले जा सकते हैं वहाँ पर आलू का भंडारण कर सकते हैं कोल्ड स्टोरेज में ठंडी जगह होती है जहाँ पर आलू ख़राब नहीं होता है तो यहाँ पर बड़ी खबर ये होती है कि किसान खेत से आलू का हारवेस्ट कोल्ड स्टोरेज में करेंगे जिससे मंडियों में आलू की आवक कम देखी जाएगी अगर आलू की आवक कम होती है तो आलू के भाव में सुधार होने की संभावना बन ही रही है किसान भाइयों ज़्यादा तेज़ी के आसार नहीं है लेकिन किसानों को जो अभी कम भाव मिल रहा है अगर थोड़ा भी इसमें 200 से 300 रुपए का भी सुधार होता है तो काफ़ी बड़ा फ़ायदा किसानों को मिलने वाला है तो इसी के आधार पर आपको आने वाले समय में आलू के भाव में थोड़ा सुधार होने को मिल सकता है इसके अलावा दूसरा कारण है कि आलू का निर्यात किसान भाइयों आलू का निर्यात अभी कम मात्रा में हो रहा है जिसके कारण मंडियों में आलू की मांग कम हो रही है अगर बड़ी मात्रा में आलू का निर्यात विदेशों में शुरू हो जाता है तो इससे आलू की मांग बढ़ जाएगी अगर मांग बढ़ेगी और मंडियों में आवक नहीं होगी तो आलू के भाव में तेजी के आसार बनते हुए आपको आने वाले कुछ समय में मिल सकते हैं किसान भाइयों भारत एक विस्तृत देश है यहाँ पर किसान काफ़ी मेहनत से और कहीं बड़े क्षेत्र में आलू की खेती करते हैं अच्छा उत्पादन लेते हैं लेकिन विदेशों में भी आलू की डिमांड होती है सभी देशों में आलू का उत्पादन नहीं होता है तो भारत हर साल आलू का निर्यात दूसरे देशों में करता है लेकिन इस साल अभी जो निर्यात हो रहा है ना वो थोड़ी मात्रा में हो रहा है अगर इसकी मात्रा जल्दी से जल्दी बढ़ाई जाती है तो आलू के भाव में काफ़ी परिवर्तन आपको आने वाले समय में मिल सकता है तो किसान भाइयों इन्हीं दो कारणों के आधार पर आगे आने वाले समय में आलू के भविष्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलने वाला है ज़्यादा तेज़ी नहीं आती है तो थोड़ा बहुत सुधार आपको जरूर मिलेगा उम्मीद यही है कि किसान भाइयों को अच्छा भाव मिले और आने वाले समय में जो मैं आपको दो कारण बता रहा हूँ इन्हीं के आधार पर किसान भाइयों को अच्छा भाव मिले तो किसान भाइयों आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं इस वीडियो को अधिक से अधिक किसानों के पास शेयर करें मिलते हैं ऐसी ही नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय किसान